और यह बुलेटिन हमारे झारखंड। हमारे झारखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के तीनों विधायकों को 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद इन तीनों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। शनिवार को गाड़ी से कैश बरामदगी के मामले में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी और अब पुलिस रिमांड में ये तीनों कांग्रेस के विधायक। सस्पेंड भी पार्टी ने किया इन तीनों को, 10 दिनों के लिए पुलिस ने रिमांड में लिया इन तीनों विधायकों को और इनसे पूछताछ होगी। ये पैसे कहां से आए, इनसे पूछताछ होगी ये तीनों पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे और इनसे पूछताछ होगी कि पैसे का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है पैसे का, कहां पैसे को खर्च करना था, पैसों के बारे में तमाम जानकारी पुलिस इनसे इकट्ठा करेगी और इनकम टैक्स भी पूरे मामले की जांच करेगी। 10 दिनों की पुलिस रिमांड। तो कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को पुलिस ने 10 दिनों के रिमांड में लिया है। इन 10 दिनों में कई सवाल, मसलन जो सवाल हमारे आपके जहन में, वो पुलिस इनसे पूछेगी। इनसे पुलिस पूछेगी कि आपने ये जो पैसे गाड़ी में रखे थे कैश में क्या काम करना था आपको, कैश में कहां खर्च करना था, क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े पैमाने पर कैश आपको गाड़ी में लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आना पड़ा, या फिर पश्चिम बंगाल से पैसे लेकर झारखंड आने की तैयारी थी। तमाम सवालों को पूछेगी पुलिस। और सीधा रुक करेंगे सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, 10 दिनों की पुलिस रिमांड, तीनों विधायकों की कई सवाल मसलन हमारे और आपके जहन में भी है और इन सवालों को पूछेगी बंगाल पुलिस इन तीनों विधायकों से। शाहनवाज, देखिए रिसेंट डेवलपमेंट तो यही है कि तीनों विधायकों, देखिए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं ये बताऊं कि रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि ये 5 लोग हैं जिसमें 3 विधायक हैं, 2 और लोग हैं। 5 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पे जेल भेज दिया है और ये 10 दिन की हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे, उसके बाद पूछताछ के लिए इनको रिमांड पे लिया जा सकता है। आगे पुलिस पर डिपेंड करेगा, बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर डिपेंड करेगा। सवाल वही होंगे जो आपने अभी अभी दोहराए हैं और उसमें एक सवाल एडिशनल ये भी होगा कि आप गए थे कहाँ, क्योंकि जो शुभा है, शक है, ये यही है कि वो गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी से फिर वापस आते हुए में पकड़े गए हैं। बहरहाल अगर गाड़ी गुवाहाटी गई होगी तो अलग अलग बिठा करके तम लोगों से बातचीत होगी। ड्राइवर भी अरेस्ट है और एक पीए है इरफान अंसारी का, प्रतीक सिन्हा, वो भी साथ में है। तो जाहिर है सब लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं और झूठ बोलने के लिए भी एक पूरी ठोस प्रमाण की जरूरत होती है। तो बहरहाल ये इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके यात्रा का प्रयोजन क्या था, फिर इतनी बड़ी कैश का प्रयोजन क्या था। और अगर आप, जैसे कि दिन भर चर्चा अलग अलग ढंग से होती रही, कभी कहा जा रहा है कि साड़ी खरीदने गए, कभी कहा जा रहा है कि गाड़ी खरीदने के लिए गए, तो अगर आप गाड़ी खरीदने के गए तो किस एजेंसी में गए, क्या आपने वहां पहले बातचीत की थी, क्या सारे पैसे कैश लेगी एजेंसी, क्या चेक और इसका कोई मामला नहीं है, ये सारे सवाल हैं और ये सवाल बहुत कठिन होंगे इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के लिए। इसका जवाब देना आसान नहीं होगा क्योंकि एक तो ये कि रंगे हाथ ये पकड़े गए हैं, दूसरी बात ये है कि उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने उन पर एक FIR भी दर्ज किया है और FIR में जो कहानी सुनाई है या जो बातें उन्होंने कही हैं उसके मुताबिक तो इसका सीधा कनेक्शन सीधे बंगाल से होते हुए आसाम जा रहा है। आसाम के CM का भी जिक्र है उसमें, उनसे मुलाकात का भी जिक्र है और एक तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय के पद का भी जिक्र है, 10 करोड़ रुपए के ऑफर का भी जिक्र है। ये बहुत कुछ है इसमें जो फिर इस परिपेक्ष में अगर फुल पिक्चर में देखें, ब्रॉडर पिक्चर में, तो ये एक सरकार गिराने की साजिश का टूल इरफान अंसारी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में ये बात है, यानी कि ऑपरेशन लोटस को और भी बहुत सारी थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है क्या ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि क्या महज 16 लाख रुपए विधायकों की कीमत, क्योंकि 48 लाख रुपए बरामद किए गए, इस पर भी राजनीति झारखंड में गर्मा गई है। देखिए ये
देखिए ये एक अपने आप में थ्योरी नंबर वन है। दूसरा जो पक्ष है उसका कहना भी जरा काबिले गौर है, वो ये है कि अनूप सिंह और इरफान अंसारी में पहले से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले साल एक FIR इरफान अंसारी पर अनूप सिंह ने ही दर्ज कराया था। तो जिससे 36 का आंकड़ा होता है, क्या उससे कोई इस तरह की बात करेगा कि आपको 10 करोड़ रुपया और मंत्री पद का ऑफर मिल जाएगा और आप आ जाइए, हम कोलकाता में आप आ जाइए, कोलकाता से आपको हम वहां ले जाएंगे, हमारी बातचीत हो गई है, हमको मंत्री बनाया जा रहा है। ये बात भी कुछ दिग्गजों को जो कांग्रेस की राजनीति को बहुत ही नजदीक से देखते हैं वो उनको ये बात पच नहीं रही है, मैच नहीं हो रहा है दोनों में। लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे पकड़े गए हैं, ये बात भी सच है कि इरफान इस तरह की एक्टिविटी में पहले भी शामिल रहे हैं, कई बार उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, वो बयान भी देते रहे हैं और वो दुष्यंत कुमार का वो शेर भी उन्होंने ट्वीट किया था, तो ये सारी चीजें वो करते रहते हैं, इसलिए शक सुबह उन पर पड़ रहा है। एक और बात कही जा रही है जो आज यहां पर, चूंकि अभी हमारे दर्शक काफी ध्यान से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि एक और विधायक था जो किसी और गाड़ी में था, वो उसको ये गिरफ्तारी का ये जो अचानक इंसिडेंट होता है उससे वो उसको भनक लग गई और वो निकल लिया है। अब वो विधायक कौन है ये बात भी एक अपने आप में एक बहुत ही नोटिसेबल बात है, क्योंकि अगर वाकई अगर मान लिया जाए ऑपरेशन लोटस अगर इसको नाम दें, तो ऑपरेशन लोटस अगर है ये, तो क्या 3 विधायक को ही पैसा दिया जाएगा? क्या इसी से सरकार गिर जाएगी? क्या इतनी संख्या से सरकार गिर जाती है? और कौन लोग हैं? क्योंकि 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी तो जाहिर है उतने को टारगेट कम से कम ऑपरेशन लोटस में करेंगे लोग ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन एक बात ये भी सही है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बराबर की जाती रही हैं और बहुत गंभीरता से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार अब जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब एक तीसरा एक एंगल ये भी मैं जोड़ता चलूं यहां पर कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें ये एक 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 बहुत बड़ी साजिश को फ्लॉप कर दिया गया है इस तरह की एक्टिविटी करके, उनको पकड़वा करके। फिलहाल उनके जो भी कुछ इरादे होंगे, जो भी उनके पीछे होंगे, वो जो लोग भी हैं उनके इरादे अब फिलहाल आगे कुछ दिन की सरकार को तो जीवनदान मिल ही गया है, क्योंकि ये तीन लोग पकड़ा गए हैं, तीनों पे कार्रवाई भी हो गई है। अब किसी और विधायक की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की कोई हरकत करेगा। दूसरी बात और भी इसमें एक नोटिसेबल पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि JMM का कोई विधायक इसमें शामिल नहीं है, कहीं से किसी का नाम, किसी की चर्चा, किसी भी तरह से कहीं से भी JMM के विधायक के बारे में इस तरह का नहीं हो रहा है कि उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि इतनी सारी वार्तालाप, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप दिन भर हम लोगों ने सुने हैं, कहीं से JMM के विधायकों का नाम नहीं है। अगर कोई कहीं से पैसा बांटेगा, खरीदेगा, ट्रैप बिछाएगा, तो खाली 3 विधायकों के लिए थोड़ी करेगा वो तो JMM के विधायक को भी टारगेट करेगा ना। तो जाहिर है ये सारी स्टोरी बहुत दिलचस्प है, स्टोरी दिलचस्प है, बहुत सारे लूप होल्स हैं। स्टोरी का बेस झारखंड का पॉलिटिक्स है, स्टोरी का बेस सरकार से जुड़ा है, सरकार को अस्थिर करने की साजिश भी एक तरह से एक एलिगेशन लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस पर प्रतिक्रिया दी गई है BJP की तरफ से। बहरहाल जो भी है, अब ये 3 विधायक इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि इनके पास ये पैसे कहां से आए, पैसों को कहां इस्तेमाल किया जाना था, और क्या वाकई ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा था या महज ये जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, इसका क्लाइमेक्स कुछ और है। इंतजार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।